नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज पहला वनडे मैच था, साल का पहला वनडे मैच था, सीरीज का पहला वनडे मैच था, और वर्ल्ड कप के काउंटडाउन के लिहाज से जो आखिरी 13 थे उसमें 12 मैच रह गए। लेकिन आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ जैसा लक्ष्य था सामने, 289 रन बनाने थे, लेकिन आज बड़ा सेंसेशनल सनसनीखेज शुरुआत भारत की हुई। 4 रनों पर 3 विकेटें गिर गई, जिसमें शिखर धवन, भारती रायडू, विराट कोहली थे। कि युवा टीम ने आज भारत को काफी परेशान किया। मेरे साथ बज्जू हैं, मेरे साथ चेतन जी हैं स्टूडियो में, और सवाल यह है कि क्या इस तरह के मध्यक्रम से भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है? सवाल तो यही थे कि भारत का की जो ताकत है, भारत का टॉप ऑर्डर ताकत है, कहीं वही तो भारत की कमजोरी नहीं बन जाएगा। लेकिन लगता है कि आज साल का पहला ट्रेलर यही है कि भारत की ताकत ही भारत की कमजोरी है। ऊपर से रन बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर नीचे आके रन बनते हैं, लेकिन मैच जिताने वाले रन नहीं बनते। देखिए, ये दिक्कत तो रही है पिछले कुछ अरसे से। हमने देखा है कि अगर ऊपर से रन बनते हैं तो फिर 350 सी भी हमने चेस किए, ये हमने देखा है। यहीं पे मैच हो रहा था कहीं ग्वालियर में या कहीं में, जहाँ विराट ने बहुत बढ़िया पारी खेल दी थी। जयपुर में रोहित और विराट दोनों ने इतनी बढ़िया पारी खेल दी थी कि 380 भी ऐसे लग रहे थे कि कुछ है ही नहीं। तो दिक्कत उस दिन आती है जैसे आज विराट कोहली भी आउट हो गए, शिखर धवन भी आउट हो गए, हालांकि रोहित जरूर थे, पर साथ में आते ही रायडू भी आउट हो गए। तो 3 विकेट जब गिर जाते हैं ना, उसके बाद फिर पारी को संभालने का काम शुरू हो जाता है। वो संभाला जरूर धोनी ने, बट जब हम उम्मीद कर रहे थे कि अब पारी और आगे बढ़ेगी, थोड़ी तेज़ी से रन बनेंगे, वहाँ वो आउट हुए और उसके बाद फिर लड़खड़ाती ही चली गई और सिर्फ रोहित के कंधों के ऊपर आ गया कि अब ये अगर कोई एक्सेप्शनल इनिंग खेल दे, जो कि शायद 10 में से एक आध दो बार होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन चाहिए थे। अब सेट भी हो, सब कुछ हो, बट आप दूसरी तरफ से ये देखिए कि आपके पास सामने वैसा प्लेयर नहीं है जैसा कि अगर धोनी रहते उनके साथ और वो हिटिंग जोन में अगर आ जाए धोनी अपने, तो फिर ये रन आज बन जाते। बट अब धोनी उस जोन में थे नहीं, अब पार्टनरशिप तो लग गई थी, अब उस जोन में आने की जरूरत है जहाँ अब फेंटी लगानी है, पिटाई करनी है, और फेंटी तो नहीं ना है। अगर वो नहीं लगती है तो फिर देखिए ये मुश्किल हो जाता है। वैसे नतीजे को मैं तो दो लिहाज से भज्जूपा जी और चेतन जी देख रहा हूं, वो ये है ए कि भारत हार कैसे गया, दूसरा हार भी तो कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखाती है ना, सिखाती है। हार ने आपको ये बताया है कि अब आप ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ना सोचें, आपको ये सोचना होगा कि बरसात तो भैया किसी भी दिन आ सकती है, क्या भारत के पास उस बरसात से बचने के लिए वो छाता है? तो भाई, आपने सवाल तो देख लिया स्क्रीन पर, और ये सवाल शायद सबके जहन में है इस वक्त, टीम मैनेजमेंट के जहन में होने चाहिए, विराट कोहली के जहन में होने चाहिए, और जो खिलाड़ियों से हमें उम्मीद है उनके जहन में भी होने चाहिए। वाजिब है कि आपके पास 1-2-3 दुनिया के सबसे अच्छा 1-2-3 है, लेकिन जिस दिन बरसात होती है आपके पास छाता नहीं है, आप 4-5-6 हारी हुई बाजी जिता सकते हैं, जीती हुई बाजी जिता सकते हैं? नहीं, देखिए काबिलियत तो है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रायडू काबिलियत नहीं है। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उनके पास काबिलियत नहीं है, उनमें बहुत काबिलियत है, उन्होंने बहुत मैच जिताए हैं। यस, हाल फिलहाल में पिछले कुछ 18 मैचेस में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जो कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जा सकता, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ना अपना वो रूप धारण करना चाहिए जो आईपीएल में रूप धारण किया था ना पिछले साल। बिल्कुल, वो पहली बॉल से ऐसा लगता था कि बॉलरों के ना चेहरे पे खौफ आ गया, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आ गए हैं, अब बचो। तो जिस दिन वो वैसे वाले जोन में आ जाएंगे ना, मुझे लगता है कि ये जो हम मिडिल ओवर की बात कर रहे हैं या मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के पास इतना एक्सपीरियंस है, जिस दिन वो गेंद को हिट मारने लगेंगे ना, सामने वाले किसी भी प्लेयर को, नंबर 4 के प्लेयर को या नंबर 6 के प्लेयर को, 7 के प्लेयर को, सिर्फ एक काम करना है, फिर सिंगल लेके उनको देना है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनको अपने गियर शिफ्ट करने की जरूरत है, अगर वो हो जाएगा तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जी, दिक्कत कहाँ आ रही है, वो तो धोनी भी जानते हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या कुछ किया है, इतने साल किया है, तो अब वो जहनी तौर पर अपनी गेम को बदल चुके हैं या कुछ और दिक्कत है? देखिए, सुबह भी चर्चा कर रहे थे, 2 महीने से क्रिकेट नहीं खेली है, और इन्होंने 2 महीने से नहीं खेली है, भारती रायडू ने 3 महीने से ली है, शिखर धवन ने भी 2 महीने से नहीं खेली थी बाय द वे। और जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं, उसके बाद एकदम से आपके इतने बड़े वाले बैठे हैं, कितने बड़े प्लेयर, आपको टच में रहना बहुत जरूरी है, और 50-50 गेम है, 20-20 गेम है, आपको फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। यदि आप फॉर्म में नहीं है और फिर इस प्रकार की सिचुएशन आती है, जैसे आज आ गए 3 आउट बहुत जल्दी जल्दी हो गए, उसके बाद आपको 3 चीजें करनी है, आपको अपनी विकेट बचानी है एक बात, फिर आपको जो है
आपको रन भी बनाना है और तीसरी बार फिर आपको फिनिश भी करना है, मैच फिनिश भी करना है, क्योंकि आज फिनिश करने का बहुत अच्छा मौका था। और मैं समझ रहा था कि जब वो 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के आसपास बहुत धीमा खेल रहे थे और पता नहीं क्या गया, बहुत डॉट बॉल जो है चलते चले जा रहे हैं। और ये उम्मीद हम धोनी से बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ये बात अच्छी है कि 50 रन अब बनाए। अगले मैच में मैं समझता हूँ उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल आ गया होगा, अगले मैच में जो है सेट होंगे और अगली बार जो है वो और अच्छी से। वेकअप कॉल भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भारत अगले दोनों मैच जीते और उसके बाद जीतता ही रहे। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि 4-3 आउट, उसके बाद धोनी और रोहित की पार्टनरशिप होती है। धोनी उस वक्त आउट हुए जहां पर शायद वो आउट ना होते तो कुछ अलग हो सकता था नतीजा, लेकिन 18 ओवर में तकरीबन 140 रन रहते थे। आप अगला बल्लेबाज कौन सा चाहते हैं? आप दिनेश कार्तिक, केदार जाधव चाहते हैं कि उसके बाद आए, या आप चाहेंगे कि ऋषभ पंत जैसा प्लेयर आए, भले ही जैसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना पगला प्लेयर जो कुछ भी कर सकता है, आप किस प्लेयर को देखना चाहते थे वहां पे? मुझे लगता है देखिए, अगर 18 ओवर में 140 रन आप देख रहे हो बनाने के लिए, तो आपको फिर ऋषभ पंत जैसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि उसमें वो एक्स फैक्टर है जो कि गिलक्रिस्ट में था। अगर उसकी बात करें, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे बड़े तगड़े, और ऐसा है कि वो 6 छक्के मार सकता है। एक ओवर की बात नहीं मैं कर रहा हूं, अगर वो 30 बॉल खेलेगा तो उसमें वो क्षमता है कि 30 बॉल में 6 छक्के मार सकता है, जो कि गेम को चेंज कर सकता है। तो मेरे लिहाज से उनका खेलना मतलब जरूरी भी हो गया है, क्योंकि अगर ऊपर से हम खुदा न खास्ता 3 आउट होते हैं तो फिर भी हमारे पीछे पावर पैक प्लेयर होने चाहिए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर ऋषभ पंत भी हो, साथ में हार्दिक पांड्या भी हो, और उसके साथ अगर आप जडेजा को भी खिला सकते हो 8 के ऊपर, 9 के ऊपर फिर आपका भुवनेश्वर कुमार हो, तो आपके पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, फिर 350 भी अगर चेज करने हो ना तो चेज हो जाएंगे। वहीं आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे, भुवनेश्वर आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या, ये 5 बॉलर आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये टीम जो है वो ज्यादा सेट लगती है। एक आदमी नहीं बनाता दूसरा, लेकिन जरूरी है 2020 आपके मारने जाते हो तो आउट होने का भी रिस्क अधिक होता है, तो इसलिए आपके पास 5 बैट्समैन जो है, 6 बैट्समैन, 5 बैट्समैन कम से कम आपके पास बिल्कुल मैच जिताने वाले होने चाहिए, जो लंबी पारी भी खेल सकते हैं। और जैसे जल्दी आउट हो गए 3 तो उसमें से कोई आदमी आपको 50 जो है सही बात है, क्योंकि वनडे क्रिकेट जिस तरह से आजकल खेली जाती है, आप या हारते हो या जीतते हो, ड्रॉ तो हो नहीं सकता, लेकिन लगा बीच में कहीं भारत ने बहुत जल्दी हार तो नहीं मान ली। खैर फिलहाल ब्रेक का वक्त है, लेकिन एक बार फिर मैं बता दूं, YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर जाएं, फटाफट सब्सक्राइब करें, आज यही मुद्दा है, तफसील से बात होगी, सब्सक्राइब करें YouTube स्पोर्ट्स तक को, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, और यही है कि मध्यक्रम कब जागेगा, रात 8 बजे आज का एजेंडा है। फिलहाल हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।